देखते हैं उन कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ। पहला विवाह जो भीष्म की पुत्री रुक्मिणी थी उनके साथ हुआ था। ये भीष्मक जो थे कुंदनपुर के रहने वाले थे, इनकी पत्नी का नाम शुद्धवती था। पांच बेटा थे इन पर, सबसे बड़े बेटे का नाम रुकुम था। उसका विवाह हो गया था, जिसकी ससुराल चंदेली भी थी, शिशुपाल उनका साला था रुकुम का। भीष्मक पर पांच पुत्र हैं, भगवान से रोजाना प्रार्थना करते हैं वो भीष्मक प्रभु एक लड़की और हो जाए मेरे यहाँ घर में तो आना नहीं आया। भगवान ने भीष्म की प्रार्थना को स्वीकार किया है। तो भक्तों एक कन्या ने जन्म लिया शुद्धमती के गर्भ से, भीष्म की पत्नी के गर्भ से। और कन्या ने जब जन्म लिया है, भीष्म को मालूम पड़ा है कि कन्या है, तो बहुत खुश हुए भीष्म। अक्षदान लुटवा रहे हैं, बधाई बज रही है आंगनों में। तब तक वही ब्रह्मा पुत्र देव सीनाद नारद उस नगर से होके जा रहे थे। भीष्मक ने देखा, भागते हुए आए और चरणों पर गिर गए। आइए महात्मा जी, कन्या का नाम है रुक्मिणी और ये कोई साधारण कन्या नहीं है, साक्षात लक्ष्मी देवी है, अवतारी है। जवाब दिया, कन्या का नाम तो रख दिया है, महात्मा जी ये भी बता दो इसका घर और पर कैसा होगा। नारद जी बोले हैं, भीष्म तुम्हारी पुत्री जो है रुक्मिणी, रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश योगीराज कृष्ण के साथ होगा। क्या बोले हाँ, कन्हैया का जैसे नाम सुना भीष्मक ने, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, नारद के पैरों पर गिर गए। महात्मा जी अगर कन्हैया के साथ में हमारी बिटिया का विवाह हो जाए तो मेरी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे, मेरा तो परिवार ही सुधर जाएगा। बहुत खुश है वो भीष्मक, अत्यदान लुटवा रहा है। सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, नाम रख के नारद जी चले गए वहीं से। लेकिन वो रुक्मिणी नाम की कन्या जो थी भीष्मक की, वो अपने घर में थोड़ी सयानी होती गई, और जब थोड़ी सयानी हुई है घर में, तो वो कन्या एक दिन अपने दरवाजे पर खेल रही थी। एक महात्मा जी उस गली से होके जा रहे थे, कुछ गुनगुनाते थे कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, पर सौभाग्य हो उन्हें दीदार कन्हैया, और ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। खाते हुए महात्मा जी निकल गए और रुक्मिणी ने ये आवाज सुन ली कि ब्रज भूमि में भगवान का अवतार हो गया। तो रुक्मिणी ने जब ये कन्हैया का नाम सुना है, तो उसी दिन से भक्त रुक्मिणी कन्हैया के नाम की दीवानी हो गई। अब तो रुक्मिणी
हर समय कन्हैया के नाम की ही चर्चा छेड़ देती है। ऐसा ही नहीं, वो रुक्मिणी जो थी कि सोचने लगी रुके मेरे मन में और जीवन दिन व्यर्थ जा रहे जगते कन्हैया का नाम लिया करते थे।
हर समय।